आईसीसी वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 अब शुरू ही होने वाला है, तो पूरे के पूरे 10 टीम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, उनके प्लेइंग 11, उनके स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ मैंने उनको 10-1 पे रैंक किया है। और जो टॉप 4 टॉप 3 टीम्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है इसको जीतने के लिए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। देखो सबसे पहले तो मैं जल्दी से आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ इस वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का। 10 टीम्स इसमें कॉम्पीट करने वाले हैं, जिसको डिवाइड कर दिया गया है दो ग्रुप में। ग्रुप ए में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। ग्रुप बी में रखा गया है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश को। दोनों ग्रुप में जो टॉप 2 टीम्स रहेंगे वो जाएंगे सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल से जीतकर आगे जाएंगे फाइनल में। तो ये इस तरह का फॉर्मेट है। 3 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच में, और फाइनल खेला जाने वाला है 20 अक्टूबर को। ये सभी के सभी मैचेस यूएई के 2 स्टेडियम में होने वाले हैं, दुबई और शारजाह में। अब चलते हैं सीधे स्क्वाड प्रीव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में। बांग्लादेश की टीम को मैंने नंबर 10 के ऊपर रखा है, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ भी सिलेक्शन किए है। मेन जो इनकी प्लेयर थी रुमाना अहमद, उसको ड्रॉप किया है। स्क्वाड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। अब जल्दी से बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। दिलारा अख्तर ओपन करेगी इनकी मुर्शिदा खातून के साथ। दिलारा अख्तर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ओपनर है, नंबर 3 के ऊपर होनी चाहिए कैप्टन निकार सुल्ताना, जो इस टीम की विकेट कीपर भी होगी। 4 पे होगी रितु मोनी, 5 पे शोरना अख्तर, 6 पे राबिया खान, और इनकी बैटिंग खत्म, क्योंकि 7 पे एस रानी आ रही है, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है इनके लिए एक तरह से। बाकी बॉलर्स है नाहिदा अख्तर, जहानारा आलम, मारूफा अख्तर और फहीमा खातून। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सिर्फ निगार सुल्ताना मेरे को इस टीम की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वीकनेस की अगर बात करें तो बाकी सब कुछ वीकनेस ही है, क्योंकि बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है और मिडल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा वीक है। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो निगार सुल्ताना इनकी कैप्टन जो होगी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में नंबर 1 पे। राबिया खान एक अच्छी लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है, और मारूफा अख्तर जो बहुत ही अच्छी पेसर है इनके पास। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ। नंबर 9 के ऊपर रखा है मैंने पाकिस्तान की टीम को। ग्रुप ए में इसको प्लेस किया गया है, और वहां पे बहुत बड़े बड़े जायंट्स वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। स्क्वाड आपके सामने आ रही होगी। फातिमा सना को एकदम से इन्होंने एक बार फिर से कैप्टन बना दिया, क्योंकि नीदा दार एशिया कप तक कैप्टन थी, लेकिन उसको वो हटाकर फातिमा सना को बनाया गया है। प्लेइंग 11 की बात करें तो गुल फिरोजा ओपन करेगी मुनीबा अली के साथ। मुनीबा अली इस टीम की विकेट कीपर है और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट बैटर भी है। गुल फिरोजा बहुत एग्रेसिव खेलती है, और एग्रेसिवनेस पर से अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर आने वाली सिद्रा अमीन भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। नंबर 4 के ऊपर है नीदादार, हाल फिलहाल में बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं है, लेकिन बॉलिंग में बहुत ही अच्छी प्लेयर है ये, तो बहुत अच्छी ऑलराउंडर इस टीम की। नंबर 5 के ऊपर अभी आ रही है फातिमा सना, जो इस टीम की कैप्टन है, ऊपर से ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग करती है इस टीम के लिए। नंबर 6 के ऊपर आलिया रियाज, जो बहुत ही अच्छी फिनिशर है। नंबर 7 के ऊपर होगी सदफ शमस। 8 के ऊपर दुबा हसन, यंग लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ज्यादा गुगली डालती है ये। नंबर 9 10 के ऊपर है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स, इनके नाशरा संधू और सादिया इकबाल। और 11 है डियाना बैग। इस टीम में 2 पेसर्स जो अच्छे हैं वो है फातिमा सना, डियाना बैग, खत्म हो गए, बस 2 ही है। ऊपर से कौन कैसे बॉलिंग करेगा बोल नहीं सकते। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्पिनर्स इनके सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरी स्ट्रेंथ जो मैंने रखा है, आपको सुनकर हैरानी होनी नहीं चाहिए, बट ये मेंस टीम को हरा सकते हैं, इतनी अच्छी इनकी स्क्वाड है, लेकिन नंबर 9 के ऊपर फिनिश करेगी। वीकनेस की अगर बात करें तो इनकंसिस्टेंसी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये इस टीम में भी है, जो मेंस टीम में हमको देखने को मिलता है। और हाँ, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल जाते हुए तो इस टूर्नामेंट या अगले 2 टूर्नामेंट में भी मेरे को लग नहीं रही है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे, जहां पे रखा है मैंने स्कॉटलैंड की टीम को। स्क्वाड आपके सामने आ रही होगी, कैप्टन है इसकी कैथरीन राइस। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो सास्किया होर्ली ओपन करेगी मेगन मैककॉल के साथ। 3 पे होगी कैथरीन राइस, जो कैप्टन है इस टीम की और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है इस टीम में, तेज बॉलिंग डालती है और बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर भी है। नंबर 4 पे है उसकी ही बहन सेरा ब्राइज, जो इस टीम की वाइस कैप्टन है, विकेट कीपिंग करेगी इस टीम के लिए और कंसिस्टेंट प्लेयर है नंबर 4 पे ये। और 5 पे है एल्सा लिस्टर, 6 पे है प्रियाना चैटर्जी, 7 पे लोरना जैक, 8 पे कैथरीन फ्रेसर, 9 पे रेचल स्लेटर, 10 पे हेना रेनी, और 11 पे है अफ्ताह मकसूद, जो बहुत ही अच्छी लेग स्पिनर है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इस टीम की स्ट्रेंथ मेरे को सबसे ज्यादा लग रही है वो है पेस बॉलिंग, क्योंकि रेचल स्लेटर और कैथरीन ब्राइज जैसे यहाँ पे पेसर है, एच रेनी भी अच्छी पेसर है। वीकनेस अगर बात करें तो ओवर डिपेंडेंसी मेरे को बहुत ज्यादा लगती है ब्राइज सिस्टर्स के ऊपर, कैथरीन और सेरा के ऊपर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो कैथरीन ब्राइज, सेरा ब्राइज, अफ्ताह मकसूद, रेचल स्लेटर, ये है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस टीम से। और मेरे को क्लियरली लग रहा है कि स्कॉटलैंड की टीम आगे नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक मैच कोई
कोई जीत सकते हैं तो वो है बांग्लादेश के सामने, जो पहला ही मैच होना है टूर्नामेंट का। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे, जहां पे रखा है मैंने श्रीलंका की टीम को। श्रीलंका की टीम गलत जगह पे है, वो है ग्रुप ए में, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े टीम्स है। श्रीलंका की टीम अच्छी फॉर्म में चल रही है हाल फिलहाल में, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि वो क्वालिफाई करेंगे। अगर ये ग्रुप बी में होते तो वहां से इनके सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्वाड आगे सामने आ रही होगी, कैप्टन है चमारिया आतापट्टू, ओपन करेगी विश्मी गुणरत्ने के साथ। गुणरत्ने अच्छी स्टेबल ओपनर है इनके साथ और कंसिस्टेंसी भी है इसमें। नंबर 3 पे है अर्षिता समरविक्रमा, जो एशिया कप फाइनल में आपने देखा था अच्छी रन बना रही थी और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है इस टीम के लिए। 4 पे हसीनी पेरेरा, 5 पे अनुष्का संजीवनी, जो है विकेट कीपर इस टीम की और फिनिशिंग करके देगी। 6 पे है कविशा दिलहारी, जो अच्छी ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। 7 पे है नीलक्षा दी सिल्वा, जिसकी ज्यादा वैसे भी बैटिंग आती नहीं और आई तो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। आगे है बाकी के बाकी सब बॉलर्स, इनोशी प्रियादर्शी ने 8 पे, 9 पे है उदेशिका प्रबोधनी, प्रबोधनी लेफ्ट आर्म पेसर है इस टीम की और इकलौती पेसर है इस प्लेइंग 11 में। नंबर 10 के ऊपर है एस कुमारी और 11 पे है इनोका रानावीरा, जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह इस स्क्वाड में लाया गया है, क्योंकि पीछे ड्रॉप कर दिया गया था और एक्सपीरियंस के चलते इसे यहाँ पे लाया गया है। इस टीम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटिंग हैवी टीम है ये, बॉलिंग के ऊपर उतना रिलाय कर नहीं सकते। अगर मैच जीतेंगे तो बैटिंग के बलबूते ही जीतेंगे, क्योंकि बॉलिंग में उतनी वैरायटी है नहीं, जो इस टीम की वीकनेस बनाता है, क्योंकि पेस बॉलिंग में सिर्फ प्रबोधन ही है और ओवर डिपेंडेंसी है स्पिनर्स के ऊपर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर चमारी आतापट्टू, कविशा दिलारी, हर्षिता समरविक्रमा और एस गामिनी, जो बेंच के ऊपर रहेगी, लेकिन ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, अगर ये खेलती है तो बड़े बड़े प्लेयर्स को दिक्कत दे सकती है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, जहां पे रखा है मैंने वेस्ट इंडीज की टीम को। ग्रुप बी में ये प्लेयर्स है, कैप्टन इस टीम की हेली मैथ्यूज है और वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे डीएंड्रे डॉटिन को इस टीम में वापस लाया गया है। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो हेली मैथ्यूज है कैप्टन, जो ओपन करेगी डीएंड्रे डॉटिन वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट के साथ। हेली मैथ्यूज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है इस गेम में और डीएंड्रे डॉटिन बहुत कमाल की प्लेयर हुआ करती थी, लेकिन पिछला T20 वर्ल्ड कप ये खेली नहीं है, बहुत टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर रही है, तो कैसे परफॉर्म करेगी बोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। नंबर 3 पे है स्टेफनी टेलर, एक टाइम की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थी इस टीम की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई है। 4 पे है शिमन कैम्बेल, जो इस टीम की विकेट कीपर है। 5 पे सी नेशन, 6 पे आलिया अलीन, 7 पे चिनेल हेनरी, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है इस टीम की और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वेस्ट इंडीज के लिए। आगे है बॉलर्स, एफी फ्लेचर है जो लेग स्पिनर है। 9 पे है जायदा जेम्स, जिसको ज्यादा बॉलिंग दी नहीं जाती। 10 पे है करिश्मा राम हेरक, जो ऑफ स्पिनर है इस टीम के लिए। और 11 पे है शमीला कॉनेल, जो बहुत ही अच्छी पेसर है, लेकिन ज्यादा बॉलिंग करवाते नहीं है इसे भी। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हेली मैथ्यूज इकलौती एक मेरे को स्ट्रेंथ दिख रही है इस टीम में, ऊपर से एक्सपीरियंस बॉलिंग है, लेकिन उतना मतलब पता नहीं क्यों देखकर लग नहीं रहा कि ये अच्छा करेंगे। वीकनेस की अगर बात करें तो ओवर डिपेंडेंसी है टॉप 3 के ऊपर, वहां पे अगर कोई रन बनाएगा तभी ये 150 प्लस बना पाएंगे। दूसरा वीकनेस है वीक बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन वहां पे कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है। और तीसरा है रॉन्ग ओवर मैनेजमेंट, कौन कितने ओवर कम करेगा कैसे करेगा कुछ बोल नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है ओवर्स में। और यही सब रीजंस की वजह से मेरे को लग नहीं रहा वेस्ट इंडीज आगे जाएगी। अगर इनको आगे जाना है तो साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में से किसी एक को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, तभी ये सेमीफाइनल में जाएंगे। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो हेली मैथ्यूज, डीएंड्रे डॉटिन, एफी फ्लेचर और चिनेल हेनरी, ये है मेरे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे मैंने रखा है न्यूजीलैंड की टीम को। भाई इनकी टीम मैं आगे समझा देता हूँ, स्क्वाड देखो, कैप्टन है इस टीम की सूजी बेट्स, और सूजी बेट्स को हमने हमेशा ओपन करते हुए देखा है, लेकिन इस टीम के लिए ओपन करती नहीं है। सूजी बेट्स ओपन करती है जॉर्जिया प्लीमर के साथ। सूजी बेट्स बहुत ज्यादा टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी वहां पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखी थी, तो उम्मीद करेगी न्यूजीलैंड की टीम की ये फॉर्म में आ जाए। जॉर्जिया प्लीमर यहाँ पे ओपन कर रही है सोफी डिवाइन की जगह पे, और ये उतना ज्यादा क्विक स्टार्ट नहीं दे पाती पावर प्ले में। टीम के ऊपर है वर्ल्ड ही वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एमिलिया केर। नंबर 4 के ऊपर आती है सोफी डिवाइन, जो बहुत ज्यादा नीचे है सोफी डिवाइन के लिए। नंबर 5 पे है मैडी ग्रीन, 6 पे है ब्रूक हेलिडे, जो हाल फिलहाल में एक दो ओवर डाल देती है बॉलिंग करके। नंबर 7 पे है इसाबेल गेज, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बैटिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये बड़े स्कोर लगा नहीं पाते। नंबर 8 के ऊपर आती है जेस्केर, 9 पे है ईडन कार्सन, 10 पे है लिया ताहू, जो अच्छी बॉलर है लेकिन उतना कंसिस्टेंसी नहीं दे पाती। और नंबर 11 पे है इस टीम की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स एमिलिया केर के साथ फ्रेंच ओनर्स। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एमिलिया केर, सोफी डिवाइन, ये ही मेरे को इस टीम में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे।
वीकनेस बहुत ज्यादा इस टीम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आउट ऑफ फॉर्म डिवाइन, आउट ऑफ फॉर्म सुजी बेट्स, ऊपर से ये मिडल ओवर्स में बहुत ज्यादा कम एग्रेसिवनेस से खेलते हैं जिसकी वजह से ये स्कोर बना ही नहीं पाते अच्छा। ऊपर से बॉलिंग भी उतनी कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोच रहे होगे कि मैंने इसको नंबर 5 के ऊपर क्यों रखा है। अगर भाई सुजी बेट्स आ गई फॉर्म में, एमिलिया केयर चल गई, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते, पूरी टीम को ये कवर अप कर देते। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से एमिलिया केयर, सोफी डिवाइन, मॉली पेनफोर्ड बहुत अच्छी पेसर है इनकी, और फ्रैंक जोनस जो अच्छी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, ये हो गए मेरे हिसाब से। मेरे को लग नहीं रहा न्यूजीलैंड की टीम आगे जाएगी सेमीफाइनल में, अगर इनको जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से किसी को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, और वो होते हुए मेरे को लग नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं टॉप 4 की तरफ, जो सेमीफाइनल पक्का जाने वाले हैं मेरे हिसाब से। नंबर 4 के ऊपर मैंने रखा है साउथ अफ्रीका की टीम को, कैप्टन है इस टीम की लॉरा वुलवार्ड। और अब प्लेइंग 11 की बात करें तो लॉरा वुलवार्ड ओपन करके टैस्मिन ब्रीड्स के साथ दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एनए के बॉस आएगी नंबर 3 के ऊपर, जो एग्रेसिव प्लेयर है और हाल फिलहाल में अच्छी फॉर्म में आ गई है। नंबर 4 पे होगी मेरी जेन कैब, लाइफ टाइम फॉर्म में चल रही है बैटिंग बॉलिंग दोनों से। 5 पे है सुनील ली, जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान की सीरीज भी थी वहां पे ये फॉर्म में भी आ गई बैटिंग में, ऊपर से 1-2 ओवर इसे करवा रहे थे बॉलिंग में और वहां पे विकेट भी निकाल रही थी। नंबर 6 पे है क्लोई ट्रायन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है इनकी और अच्छी फिनिशिंग करके देती है नेडिन डी क्लेयर के साथ, जो इनके लिए पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। 8 पे होगी सिनालो जाफ्ता, जो विकेट कीपर है। बाकी अब इनके बॉलर्स हैं एम लाबा, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, और 2 पेसर्स आया पोंगा खाका और टूमी सेगुगु ने। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो क्वालिटी ऑलराउंडर है इस टीम के पास, लुइस भी फॉर्म में आ गई है, बॉलिंग भी कर रही है, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। साथ ही डीप एंड डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है, नंबर 7 तक इनके पास बैटिंग है। वीकनेस की अगर बात करें तो ओवर डिपेंडेंसी मेरे को लगता है इस टीम की लॉरा वुलवार्ड और मेरी जेन कैप के ऊपर होगी, स्पेशली कैप के बॉलिंग के ऊपर होगी। अगर कैप पावर प्ले में विकेट नहीं निकालेगी तो ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है। ऊपर से वीक बेंच स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि जो 4 नाम वहां पे है उनके बारे में उतना ज्यादा सुना नहीं गया, उतना ज्यादा इनको खेलने का मौका भी नहीं मिला है। ये टीम डेफिनेटली सेमीफाइनल जाएगी, ग्रुप बी में है, कंपेरेटिवली इजी ग्रुप है वो। और प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से लॉरा वुलवार्ड है, मेरी जेन कैब और सुनील लीज। वैसे टैस्मिन ब्रीड्स भी बहुत कमाल की प्लेयर थी, इनका पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था जो घर के ऊपर हुआ था बहुत बढ़िया गया था। अब आगे बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और मैंने जो रखा है नंबर 3 के ऊपर वो सुनकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक होने वाले हो, वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आप सोच रहे होगे कि जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको नंबर 3 के ऊपर कैसे रखा है, तो मैं समझा देता हूँ। ये स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया की, कैप्टन इस टीम की एलिसा हीली। और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, देखो एलिसा हीली कैप्टन है, विकेट कीपिंग करेगी, जो ओपन करेगी बेथ मूनी के साथ, दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभी। नंबर 3 के ऊपर है एवरग्रीन एलिस पेरी, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की ऑलराउंडर है और क्लच प्लेयर है, बड़े टूर्नामेंट में बड़े बड़े काम करती है, और ये इसको आउट करना बहुत मुश्किल है, बॉलिंग में आती है तो विकेट लेके जाती है, और नंबर 3 के ऊपर रहेगी। नंबर 4 के ऊपर है टेलिया मैग्रा, जो बहुत ज्यादा इसके साथ सफल किया जा रहा है बैटिंग ऑर्डर में, और नंबर 4 पे आनी चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नंबर 6 के ऊपर भी खिला रहे। नंबर 5 पे होगी फीबी लीचफील्ड, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है अभी यंग टैलेंट में, और नंबर 5 पे अच्छी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेल के जाती है। नंबर 6 के ऊपर है एशली गार्डनर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स इस गेम में, फिनिशिंग करके देगी इस टीम को, हाल फिलहाल में नंबर 4 के ऊपर लाया जा रहा है। नंबर 7 के ऊपर एनेबल सदरलैंड, इनकी गोल्डन गर्ल है ये, हाल फिलहाल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, बैटिंग फॉर्म भी इसका अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके साथ खराब यह है कि नंबर 7 के ऊपर इसे आना पड़ रहा है। नंबर 8-9 के ऊपर है इनके स्पिन ऑलराउंडर जॉर्जिया वेरहम और सोफी वॉल्यूनिक्स, एक लेग स्पिनर है जॉर्जिया वेरहम, एक है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर सोफी वॉल्यूनिक्स, जो इस टीम में अपना कमबैक कर रही है। और 2 पेसर्स हो गए मेगन शूट, वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स है इस गेम में, लेकिन हाल फिलहाल में पता नहीं क्यों उतने ज्यादा विकेट नहीं निकाल पा रही जितने पहले निकालती थी। और 11 पे है डार्सी ब्राउन, जिसके पास पेस बहुत है, लेकिन अगर लाइन एंड लेंथ खराब हो गई तो इसके फिगर्स भी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ओवरऑल स्क्वाड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, डीप बैटिंग है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिवनेस के साथ ये लोग बैटिंग करते हैं, वेरिएड बॉलिंग अटैक है, सब तरह के बॉलर्स है, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, पेस बॉलर भी है, स्पीड में बॉलिंग डालने वाले मीडियम पेसर भी है, डेथ बॉलर भी है, सब कुछ है इनके पास, और बिग मैच प्लेयर भी है। लेकिन वीकनेस जो है यहाँ पे आपने ध्यान देना है, और वो ये है कि बहुत सारे इनके प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। साथ ही एलिसा हीली का कैप्टन होना ये भी इनके लिए एक तरह से वीकनेस ही है, क्योंकि उतना ज्यादा इसके पास एक्सपीरियंस है नहीं, हाल फिलहाल में ये लोग उस टीम से इतने मैचेस हारे जिससे इतना पहले हारते नहीं थे, एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका,
आज तक हिस्ट्री में वुमेन्स टीम हारी नहीं थी साउथ अफ्रीका से, लेकिन वो सीरीज में हार गए। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो फीबी लीचफील्ड, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, ये हो गए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस टीम से। देखो सेमीफाइनल तो पक्का जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन फाइनल में जाते हुए मेरे को नहीं लग रही है, इसका रीजन मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब नंबर दो के ऊपर मैंने रखा इंडिया की टीम को। इंडिया की टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, और ये वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम इंडिया की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। देखो स्मृति मंदाना ओपन करेगी शफाली वर्मा के साथ, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनर चाहिए। नंबर तीन के ऊपर होनी चाहिए जेमिमा रॉड्रिक्स, चार पे होनी चाहिए हरमनप्रीत कौर, लेकिन हाल फिलहाल में ये थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। नंबर तीन के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। नंबर पांच भी आनी चाहिए दीप्ति शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग फॉर्म्स में चल रही है, बॉलिंग तो इसकी अच्छी है ही। नंबर छह पे फिनिशिंग करने के लिए आएगी इनकी विकेट कीपर बैटर रिचा घोष। सेवन पे होनी चाहिए एस सजना। नंबर एट के ऊपर पूजा वस्त्राकर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छी बॉलिंग करके देती है, साथ ही बैटिंग बैकअप भी है इनके वजह से। नंबर नौ के ऊपर है श्रियंका पाटिल, जो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है और बहुत ही टैलेंटेड ये बॉलर भी है और बैटिंग बैकअप भी दे देगी। नंबर दस के ऊपर राधा यादव या फिर आशा चोपड़ा में से ये, मेरे को लग रहा है राधा यादव के साथ ही स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन ये सामने वाली टीम और कंडीशंस के हिसाब से शायद से आशा चोपड़ा को भी ला सकते हैं। नंबर 11 के ऊपर है रेणुका सिंह ठाकुर, जो बहुत ही अच्छी पेस बॉलर है, पावर प्ले में अगर ये दो तीन विकेट लेकर गई तो पूरी तरह से मतलब ये सामने वाली टीम को हिला देती है। स्ट्रेंथ अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टी20 बैटिंग है। नंबर छह जो है इनके बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन टीम जैसे कि मैंने बोला अब तक वुमेन्स टी20 में जाने के लिए। ऊपर से फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा, ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की। वीकनेस की अगर बात करें तो नंबर तीन के ऊपर बहुत ज्यादा ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे मेरे हिसाब से, तो वहां पे जेमिमा रॉड्रिक्स ही होनी चाहिए। दयालन हेमालता की यहां पे जगह बन नहीं रही और इसको वहां पे एकदम ऐसे फिट करना भी नहीं चाहिए, और अगर किसी के ऊपर अगर उतना भरोसा नहीं है तो वहां पे दीप्ति शर्मा को भी प्रमोट किया जा सकता है, या जेमी सबसे बेस्ट ऑप्शन है नंबर तीन के लिए। और एक और है फॉर्म ऑफ हरमनप्रीत कौर, हाल फिलहाल में उतनी ज्यादा ये बेटर प्लेयर नहीं रही थी टी20 में, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमेशा की तरह ये वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में अपने ओरिजिनल ओजी हिटिंग फॉर्म में आ जाएगी। और लास्ट है फील्डिंग एट क्लच मूवमेंट्स, क्योंकि फील्डिंग की वजह से ही हम हमेशा से हारते आए हैं और वुमेन्स एशिया कप में भी फील्डिंग के वजह से ही हारे थे। उम्मीद करते हैं कि अभी जो ब्रेक मिला था उसमें इन्होंने फील्डिंग के ऊपर काम किया हो। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें तो स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, प्रियंका पाटिल, पूजा वस्त्राकर, एक तरह से देखे तो पूरी लाइनअप ही इनकी वन ऑफ द बेस्ट है। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में आपके हिसाब से आप नाम डाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नंबर वन पे, और सबसे ज्यादा फेवरेट इस टूर्नामेंट को जीतने वाले जो है इंग्लैंड की टीम। कैप्टन है हीदर नाइट, बाकी प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो ओपन करेगी डैनी वैड मैया बूशियर के साथ, दोनों फॉर्म में चल रही है। एलिस कैप्सी होगी जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर है, बॉलिंग बैकअप भी देती है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल देती है। नंबर चार पे नेट सिवर ब्रंट, हमेशा रन बनाती है, विकेट भी लेके जाती है, वन ऑफ द बेस्ट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इस गेम में एलिस पेरी जैसी ही है। नंबर पांच के ऊपर कैप्टन हीदर नाइट, जो फॉर्म में आ गई है बैटिंग के, ऊपर से कैप्टनसी फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, लंडन स्पिरिट को जीता कर आ रही है अभी। नंबर छह पे फिनिशिंग करेगी एमी जोन्स, जो विकेट कीपर होगी इस टीम के लिए। नंबर सेवन पे डैनी गिब्सन, जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है और डेथ बॉलिंग कर सकती है, यार कहीं पे भी बॉलिंग कर देती है, बहुत अच्छी फील्डर भी है इस टीम के लिए। बाकी नंबर आठ पे है चार्ली डीन, ऑफ स्पिनर है ये, सोफी इग्लिस्टोन होगी नौ पे, बैटिंग तो नौ नंबर तक है इस टीम के पास, क्योंकि सोफी इग्लिस्टोन भी बहुत कमाल की हीटर है और सोफी इग्लिस्टोन वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स है। नंबर दस के ऊपर है सेरा ग्लेन, लेग स्पिनर है इस टीम की। नंबर इलेवन पे है लॉरेन बेल, जो हाल फिलहाल में अपनी पेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किए, ऊपर से आउट स्विंग, ऑफ कटर, लेग कटर सब कुछ ऐड कर दिया अपनी गेम में, तो बहुत अच्छी डेथ बॉलर भी बन गई है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग अटैक मेरे को लग रहा है, क्योंकि वैरायटी भी है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रहे, ऊपर से डीप एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग है इनके पास। नेट सिवर ब्रंट एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इस टीम की, ऊपर से बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस है। वीकनेस अगर बात करें तो मेरे को लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस इनको कुछ खा सकता है और ये वहीं पे हार सकते हैं। और हाँ, अनफेमिलियर कंडीशन से यूएई के, क्योंकि पहले ये वहां पे मैच खेले नहीं है। आप अपने हिसाब से 10-1 रैंक कर दो, और प्लेइंग 11 में अगर कुछ चेंज बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपका ही। ऊपर से स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आप अपने हिसाब से हर टीम के लिए वहां पे बोल सकते हो। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इंग्लैंड की टीम अगर नंबर वन पे फिनिश करती है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके होने के चांसेस है, और उस हिसाब से मेरे अगर देखते हुए तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के है, तो वहां पे इंग्लैंड की टीम मेरे को तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, बहुत वन ऑफ द बोल्डेस्ट प्रेडिक्शन है अब तक इस चैनल के ऊपर। तो आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते
चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ, जो है टूर्नामेंट को लेकर मोस्ट रन टॉप टू और मोस्ट विकेट्स कौन रहेगा टॉप टू, इसके बारे में। तो मोस्ट रन मेरे हिसाब से लॉरा उलवार्ड करेगी और नंबर टू के ऊपर होगी नैट सीवर, मतलब ये दोनों टॉप टू में हो सकते हैं। मोस्ट विकेट्स कॉलम में सोफी इग्लिस्टोन और एश गार्डनर हो सकते हैं। आपके कौन है मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स के लिए प्रेडिक्शन, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। देखो अगर वीडियो बड़ा बना होगा और अब तक यहाँ पे देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हो। सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, आपके लाइक और सब्सक्राइब के बिना ये जर्नी अधूरी है और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक वहां पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप यहां पे कवर होने वाला है, लाइव भी करने वाला हूं मैं। ऊपर से टेस्ट सीजन शुरू हो गया तो उसके लिए भी लाइव आ रहा हूं, वीडियोस भी आ रहे हैं, तो चैनल पे ये सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।